जय हिंद। आज 31 दिसंबर 2020 है और आज किसान आंदोलन का 36वां दिन है। अभी तक सरकार और किसान के बीच में 8 से 10 दौर की बातचीत हो चुकी है और अभी भी दो मामलों पर पेंच फंसा हुआ है और किसान का आंदोलन जारी है। अगली बैठक 4 जनवरी 2021 को है, तो आइए समझते हैं क्या है वो दो पेच जहां पर किसान और सरकार में ठनी हुई है। यही हो तील कानून, जिसको विपक्ष काला कानून कह रहा है और जिसकी वजह से किसान आंदोलन कर रहा है और जिसको सरकार उत्तम और सर्वोत्तम कानून बता रही है। आइए एग्जाम्पल से एक एक करके इन कानून को समझते हैं और समझते हैं उन दो पेचों पर जहां पर सरकार और किसान के बीच ठनी हुई है। आइए लेते हैं पहले कानून को। पहला कानून द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। आप इस कानून को ऐसे जानते हैं कि ये कानून किसानों को छूट देती है कि किसान अपना फसल कहीं भी बेच सकता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए लल्लू जी नाम के एक किसान है, अब उनकी फसल तैयार हो गई है और उनको अपनी फसल बेचनी है, तो बिना कानून के जो ऑप्शन है ये है, अब कानून के साथ जो ऑप्शन मिला है ये है। अब बिना कानून वाले ऑप्शन को समझते, जब कानून लागू नहीं हुआ है तो ये स्थिति है, कानून नहीं लागू हुआ है, यहाँ पर इनको दो फैसिलिटी मिलती है। पहली फैसिलिटी मिलती है दुबे जी की दुकान पर जाके सीधे ये अपनी फसल को बेच दे, और दूसरा है मिश्रा जी की मंडी जो कि एक सरकारी मंडी है, वहाँ पर जाकर अपनी फसल को बेच दे। लल्लू जी को फसल बेचनी है तो वो जाएंगे पहले दुबे जी के पास, दुबे जी से पूछेंगे, दुबे जी राम राम बोलेंगे, राम राम भैया। लल्लू जी पूछेंगे आपकी दुकान में गेहूं की कीमत क्या चल रही है, तो वो बोलेंगे भाई मार्केट में 18 रुपया है, हम भी 18 रुपये लेंगे। तो लल्लू जी बोले हम आगे से आते हैं। वो पहुंचेंगे मिश्रा जी के पास, मिश्रा जी पूछेंगे ए मिश्रा जी आपके मंडी में गेहूं का क्या भाव चल रहा है, तो मिश्रा जी बोलेंगे 20 रुपया, तो बोलेंगे 20 रुपया, दुबे जी तो 18 रुपये दीजिए, मिश्रा जी तो 20 रुपया दे रहे हैं, तो वो अपना फसल मिश्रा जी को बेच देगा। ये व्यवस्था उल्टी भी हो सकती है, यहाँ पर भाव कम और ये यहाँ पर भाव ज़्यादा भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर कि प्राइस यहाँ पर ज़्यादा होगी यहाँ पर ज़्यादा। तो यहाँ पर किसान के पास ऑप्शन ये है कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से जहाँ पर उसको दो पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं वहाँ पर बेच देगा। तो लल्लू जी इस स्थिति में अपनी जो फसल है मिश्रा जी के पास बेचेंगे कि मिश्रा जी उनको 20 रुपया दे रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं जब ये कानून लागू हो गया है तब स्थिति क्या बन रही है। तो अब कानून जब लागू हो गया तो स्थिति यहाँ पर ये कि दुबे जी की दुकान ज्यों के त्यों है, मिश्रा जी की मंडी ज्यों के त्यों है, और एक ऑप्शन सरकार ने लल्लू जी को दे दिया है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है, जैसे आप घर पे रह के मोबाइल से रिचार्ज मार देते हैं, टीवी में मोबाइल में रिचार्ज मार लेते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, गांव से मंगा लेते हैं, वैसे ही आप एक क्लिक में मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से हमारे देश के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों को, 9 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी फसल को आसानी से एक क्लिक पर बेच पाएंगे। अब इसके लिए ये कानून बनाया गया है, यहाँ पर ये जो पहला कानून है ये 13 पेज का है। आप सेकेंड पेज पर जब आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि सरकार यहाँ पर कानून बना रही है और लिखित दे रही है कानून में कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी, पहले से प्लेटफॉर्म और मौजूद है उसको इम्प्रूव करेगी ताकि एक क्लिक पे किसान अपनी फसल को देश के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में बेच सके। अभी तक उसके पास दो ऑप्शन था, लेकिन अब के पास दो ऑप्शन तो खुला है ही है, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो बहुत बड़ा ऑप्शन है 28 राज्यों का और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का भी दिया है, और 28 और 9 होता है 37। तो इस तरह 37 नए द्वार खोल दिए हैं सरकार ने किसान के लिए, लल्लू जी के लिए, कि भाई तू अपना फसल इधर भी बेच सकता है। अब इस व्यवस्था को आप ध्यान से देखिए, इस व्यवस्था में आप दुबे जी की दुकान और मिश्रा जी की मंडी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लोकल व्यवस्था है, मतलब यहाँ पर अल्टीमेटली जो लल्लू जी अपना फसल बेच रहे हैं वो लोकल में बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लोकल व्यवस्था तो ज्यों के
त्यों बरकरार, लेकिन यहाँ पर सरकार लल्लू जी को ग्लोबल ऑप्शन प्रोवाइड कर रही है जो 28 राज्य और 9 केंद्र से प्रदेशों से जोड़ रही है। तो यहाँ पे किसान जो है लोकल में अपना फसल बेच रहा था, अब ये ग्लोबल में अपना फसल बेच रहा है। एक एग्जांपल समझिए, नासिक में कांदे की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप नासिक में जाके कांदा खरीदिएगा तो आपको 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया में आपको कांदा मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही ये कांदा महानगरों में आता है और दूसरे राज्यों में जाता है, उसकी कीमत 20 से 25 रुपये किलो हो जाती है। तो वैसे ही लल्लू जी की फसल है यहाँ पर, वो उसकी लोकल में कीमत भले ही कम हो, लेकिन दूसरे राज्यों में जब आप देखेंगे ना तो इसकी कीमत अलग होगी। तो दूसरे राज्यों में जब कीमत ज़्यादा होगी तो किसान वहीं पर बेचेगा ना, और उसके लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पर किसान लोकल था, अब ये कानून आने के बाद किसान ग्लोबल हो गया, वो जुड़ गया 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से। तो लोकल से ग्लोबल बनाने वाला ये जो कानून है, ये पहला कानून है। अब देखिए दूसरा कानून, दूसरा कानून जो है उसका नाम है द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। अब इसी को आप शॉर्ट में कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे देश में कोई नई बात नहीं है, लेकिन देखते हैं कि इस कानून में ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों को कैसे फायदा या फिर नुकसान पहुंचाएगा। तो अभी की जो व्यवस्था है, दुबे जी की दुकान, मिश्रा जी की मंडी, अब दूसरे कानून आने के बाद क्या व्यवस्था है, दुबे जी की दुकान है, मिश्रा जी की मंडी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पे गवर्नमेंट दे दी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आप समझ लीजिए, हमारे देश में 3 बड़ी कंपनियां हैं, पार्ले जी, प्रिया गोल्ड और ब्रिटानिया, जो साल के 12 महीने बिस्किट बनाती है, और बाय डिफॉल्ट बिस्किट का जो रॉ मटेरियल वो है गेहूं। अब ये कंपनियां पार्ले जी, प्रिया गोल्ड और ब्रिटानिया, ये तीनों आएंगी लल्लू जी के पास। अब लल्लू जी से बोलेंगे, लल्लू जी हमको चाहिए गेहूं, लल्लू जी बोलेंगे क्यों नहीं देंगे भाई, ले लीजिए। अब लल्लू जी से कंपनी पूछेगी भाई कितने भाव मिलेंगे, तो बोलेंगे आप कितना देंगे, तो बोलेगा 20, कंपनी बोलेगी 20, तो बोलेगा 20 में नहीं 25 में लेना है तो बताइए, तो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो लल्लू जी अपनी शर्त पे कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा कि 25 रुपया तय होगा। अब लल्लू जी को टेंशन नहीं है कि 4 महीने बाद उनको कौन सी कीमत मिलेगी, मार्केट वगैरह से उनको मतलब नहीं है। मान लीजिए मार्केट में चल रहा है 20, तब भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 25 रुपया पे करना पड़ेगा लल्लू जी को। तो जैसे ही फसल तैयार होगी, ये पार्ले जी, प्रिया गोल्ड और ब्रिटानिया वाले लोग आएगा और अपना गाड़ी लगा के फसल लेके जाएगा। अब यहाँ पर 2 दिक्कतें आती हैं, पहली दिक्कत को आप समझिए, यहाँ पर मान लीजिए ये कंपनी फ्रॉड कर सकती है और लल्लू जी भी फ्रॉड कर सकते हैं, कैसे उसको देखिए। अब कंपनी अगर मान लीजिए फसल बहुत बम्पर हो गई, अब बम्पर हो गई मतलब फसल की पैदावार बहुत ज़्यादा हो गई, तो इससे क्या होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में गेहूं बहुत धमाकेदार हुआ है, तो इससे क्या होगा, मार्केट में गेहूं की सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब भी किसी चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी कीमत कम हो जाती है। तो यहाँ पर लल्लू जी कंपनी से तय किए हैं 25 रुपये में और मार्केट में मिल रहा है गेहूं 20 रुपये में, तो यहाँ कंपनी क्या करेगी, कंपनी लल्लू जी को मना कर सकती है, जबकि ये गलत है तब भी कंपनी ये करेगी। तो कंपनी अगर कर ली हो 20 रुपये में, कोई भी अपना नुकसान नहीं करना चाहेगा, तो कंपनी यहाँ मना कर सकती है, ये एक डर किसानों को है, ठीक है। अब लल्लू जी के लिए देख लीजिए, लल्लू जी कैसे घोटाला कर सकते हैं। तो मान लीजिए गेहूं की जो फसल है पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छी नहीं हुई, अब जब सब अच्छी नहीं हुई है तो सप्लाई कम हो गया, जब किसी का सप्लाई कम होता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो अब मान लीजिए गेहूं की जो फसल की कीमत है, अब जो गेहूं की कीमत है वो हो गया है 30 रुपया मार्केट में। अब कॉन्ट्रैक्ट में लल्लू जी तय किए हैं पार्ले जी से, प्रिया गोल्ड से और ब्रिटानिया से कि 25 रुपये बेचेंगे, लेकिन क्या यहाँ पर जो 30 रुपया मिल रहा है, तो लल्लू जी चोरी से ले जाके फसल काट बीट के रातों रात लगा दिए यहाँ पे, 30 रुपये में बेच दिए, तो ठीक है। तो पहले वाले केस में लल्लू जी किस कंपनी पे केस ठोक देंगे, दूसरे वाले केस में
कंपनी लल्लू जी पे केस होगी, तो इससे तो झगड़ा हो गया, तो ये तो बड़ी बुरी बात हो गई। तो उसके लिए एक बहुत बड़ा उपाय जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्रेंड्स आपने अगर होम लोन लिया और जब आप होम लोन लेते हैं तो आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक से पूछते हैं, ए बैंक जी हमको होम लोन चाहिए, तो बोलता है ले लीजिए, तो बैंक वाला बोलता है कैसे लेंगे, तो बोलते ये कैसा सवाल है कैसे लेंगे, मतलब भाई लोन लेंगे, तो बैंक वाला समझाता है कस्टमर को, ओ कस्टमर जी ये जो लोन है दो टाइप का होता है, एक फिक्स रेट पे एक फ्लोटिंग रेट पे। अब फ्लोटिंग रेट फिक्स रेट को पहले समझ लीजिए, फिक्स रेट मतलब मान लीजिए आज जो होम लोन है उसका रेट क्या है 8% है, अगर 8% से लिए ना तो ये अब 30 साल के लीजिएगा ना तो आपको 8% के हिसाब से 30 साल तक ये लोन चुकाना होगा। अब मान लीजिए आप फ्लोटिंग रेट पे लेते हैं, फ्लोटिंग रेट पे लीजिएगा तो क्या होगा, फ्लोटिंग रेट में जब प्राइस जो होम लोन का है वो कम ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो आपको कम पे करना पड़ेगा और ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कस्टमर ज़्यादातर आप देखेंगे तो यही प्रीफर करते हैं फ्लोटिंग रेट पे, क्योंकि लोन का भाव कम ज़्यादा होगा तो इन कस्टमर को फ़ायदा होगा, कम हुआ तो उसको कम पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और ज़्यादा हुआ तो फिर भाई ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। तो एक फ्लोटिंग रेट वाला ऑप्शन यहाँ पर लल्लू जी और कंपनी के बीच में हो सकता है, जहाँ पर जो प्राइस है वो मार्केट तय करेगा कि मार्केट में जो भी प्राइस होगा वहाँ पर कंपनी को लेना होगा और यहाँ पर लल्लू जी को भी वही प्राइस लेना होगा। तो इससे जो डिस्प्यूट का जो फ्रॉड का झगड़ा मगजमारी है ना वो मिट सकता है। वैसे भी सरकार इस बिल में लिख के दिए है सेकंड कानून के अंतर्गत कि अगर इस तरह का कुछ माजरा इस तरह का कोई काला काम आता है तो उसको सरकार 30 दिन में सलटाने के लिए निपटाने के लिए बाध्य है। तो ये दूसरा जो कानून है किसान को इसके अलावा और चौथा ऑप्शन प्रोवाइड करता है अपनी फसल को बेचने का। अभी तक दुबे जी की दुकान थी, मिश्रा जी की मंडी थी, तो पहले जो कानून है उसने उनको ऑप्शन दिया ऑनलाइन का, अब दूसरा जो कानून जो है वो दे रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक ऑप्शन। तो यहाँ पर दो कानून के जरिए किसान के पास अब कुल मिला के 4 ऑप्शन आ गए अपनी फसल को बेचने के लिए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि तीसरा कानून क्या बोलता है। तो तीसरा कानून है द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। अब इसको समझने से पहले आपको इसको समझना पड़ेगा और इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये आया क्यों। अब 1955 से पहले क्या होता था, जो बहुत देश के पूंजीपति थे वो एसेंशियल कमोडिटी मतलब क्या होता है, चावल दाल आटा नमक शक्कर तेल ऐसी चीज़ें जिनके बिना गुजारा नहीं हो सकता है आम आदमी का, ऐसी कमोडिटीज़ को क्या करते हैं, ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं अपने पास स्टोर कर लेते हैं। अब स्टोर कर लेंगे तो इससे आपूर्ति मतलब सप्लाई बाधित हो जाएगा। अब मार्केट में जो किसी चीज़ की सप्लाई कम होती है ना, जब किसी सप्लाई कम हो जाएगी तो उसका प्राइस जो है अपने आप बढ़ जाएगा। तो इससे क्या करते हैं, ये मुनाफा को, ये जमाखोरी बोलते हैं इसको, तो ये जमाखोर ऐसे मुनाफा कमाते थे। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, 1955 में एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लेके आया, जिससे ये तय किया गया एसेंशियल कमोडिटी को आप कितना स्टोर कर सकते हैं। अब उसके ऊपर आप स्टोर करेंगे तो आप पर कानूनन जुर्माना जाएगा, आपका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और आपको जेल भी जाना पड़ेगा और प्लस आपका जो अनाज है इसको सरकारी खजाने में जमा कर लिया जाएगा। तो इस तरह से एक्ट 1955 आ गया। तो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 है ना, इसके अंतर्गत इसकी जो ये बाधा है ना किसानों के ऊपर से हटा दी गई है। अब किसान अपने मुनाफे के हिसाब से फसल को रोक सकता है, सप्लाई रोक सकता है और जब कीमत अच्छी होगी तब बेच सकता है। तो ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 है ये किसानों को छूट देता है कि किसान स्टोर कर सके फसल को अपने हिसाब से, लेकिन 4 कंडीशन में यहाँ किसान फसल को रोक नहीं पाएगा, स्टोर नहीं कर पाएगा। पहला जो कंडीशन है वो लड़ाई, अगर युद्ध चल रहा है देश में तो आप फसल को फिर आप स्टोर नहीं कर सकते, अगर सूखा पड़ गया उस केस में भी आप फसल को रोक नहीं सकते, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अत्यधिक मूल्य वृद्धि हो गई है, ज़्यादा प्राइस बढ़ गया किसी चीज़ का, तो उस कंडीशन में भी आप उसको नहीं रोक सकते। प्राकृतिक आपदा से मतलब जैसे कोरोना समझ लीजिए, कोरोना अगर हो गया है इस समय भी आप फसल को स्टोर नहीं कर सकते, तब आप पर यही कानून लागू हो जाएगा 1955 वाला।
अगर सब कुछ नॉर्मल है देश में तो आप पर ये एक्ट किसानों पर विशेषकर और किसी से जुड़े लोगों पर ये जो एक्ट है ये लागू नहीं होता, वो चाहिए उतना स्टोर कर सकते हैं। ये जो तीसरा कानून है ये किसान को छूट दे रहा है कि किसान अपनी फसल को स्टोर करे और जब मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगी तो उसको बेच दे। जब सब कुछ इतना अच्छा अच्छा है तो किसान विरोध क्यों कर रहा है और कौन से वो दो पेच है जहां पर अभी भी बात फंसी हुई है? तो फ्रेंड्स, पहला पेच है MSP और दूसरा है APMC। इसको समझने के लिए हमको एक जरा कंपैरिजन स्टडी करनी पड़ेगी। तो कानून नंबर दो को आप जरा ध्यान दीजिए, एक बार फिर से रिवाइज की दिमाग में। तो वहां पर क्या होता है कि एक प्राइवेट कंपनी आती है और किसान से वो कॉन्ट्रैक्ट करने की बात करती है, तो किसान और ये प्राइवेट कंपनी आपस में एक मूल्य पर तय होते हैं, एक प्राइस पर तय होते हैं, तो वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब किसान और कंपनी दोनों बाधित है इस प्राइस पे, ठीक है, फसल लेने और देने के लिए। अगर दोनों में से कोई भी पीछे हटता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, MSP में ऐसा नहीं होता है। MSP में क्या होता है, सरकार की एक संस्था है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसी की एक संस्था है CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये संस्था APMC मतलब क्या होता है, मंडी होती है, तो इसका जो प्राइसिंग है ये तय करती है। ये कैसे तय करती है, सेम उसी तरह जैसे कॉर्पोरेट कंपनियां फसल होने से पहले जाकर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वैसे ये संस्था पहले ही जाकर तय कर देती है कि किसी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होगा, मतलब कम से कम आपको कितना मिलेगा। तो यहां पर अगर किसान भागेगा तो किसान पर कानूनी कार्रवाई होगी और कंपनी भागेगी तो कंपनी पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, यहां पर किसान को खुली छूट है। अगर उसको ओपन मार्केट में ज्यादा पैसा मिल रहा है तो वो अपनी फसल को ओपन मार्केट में बेच सकती है। और मान लीजिए ओपन मार्केट में पैसा कम है, कम रेट चल रहा है ओपन मार्केट में, तो फिर वो यहाँ पर अपनी फसल को बेच सकती है। अब बताइए, जब ओपन मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस लो है और उसको सरकार यहाँ पर APMC में हाई प्राइस पे खरीदेगी, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदेगी, तो सरकार को क्या होगा, घाटा होगा। अब मान लीजिए ओपन मार्केट में है 20 रुपया और यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी चीज़ का तय हुआ 25 रुपया, तो सरकार को यहाँ पर 5 रुपये से प्रति किलो घाटा हो जाएगा। और ये हर साल होता ही है। अभी 3 दिन पहले तेलंगाना से खबर आई कि वहाँ के मुख्यमंत्री ने बताया कि उनको पूरे साल MSP के चलते 7,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। और ऐसा हर राज्य में होता है और इसीलिए देश के एक बड़े मंत्री नितिन गडकरी, जो अभी परिवहन मंत्री है, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे BJP के, उन्होंने कहा था कि MSP देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ है। और ये फ्रेंड सच में देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ है। कितने विरोधी कहते हैं कि भाई कॉरपोरेट वाले कितना पैसा खाकर बैठ गए हैं, अब उसको आप समझिए। पहले आपकी बीवी आपसे रोज़ झगड़ा करे वो अच्छा है, या फिर कभी कभार आपके बीच झगड़ा हो वो अच्छा है? तो फ्रेंड्स, कभी कभार वाले पर आप ज़्यादा लोग सहमत होंगे। रोज़ करना ये तो बहुत बड़ा नुकसान कर देगा फैमिली के लिए। तो वैसे ही जो ये MSP और APMC के जरिए सरकार को गारंटीड नुकसान होता है हर साल। और मैंने अभी जो आपको आंकड़ा बताया 7,500 करोड़ का, ये एक राज्य तेलंगाना का है और हमारे देश में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब जोड़ लीजिए कितना घाटा है, ये घाटा करोड़ों में हर साल जाता है। तो इस 3 कानून के जरिए सरकार ने कोशिश की है कि MSP पर जो किसानों की निर्भरता है, APMC पर जो किसानों की निर्भरता है, उसको थोड़ा कम किया जाए और किसान को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जाए, ताकि ये जो साल का जो नुकसान हर साल गवर्नमेंट सह रही है उसको कम किया जा सके। और जैसा सरकार ने सोचा है, अगर वो सब चीज़ें उसी तरह काम कर गई, MSP पर किसानों की निर्भरता धीरे धीरे
खत्म हो जाएगी, जो देश के लिए अच्छी बात है और किसानों के लिए भी अच्छी बात है। एमएसपी पर, एपीएमसी पर किसानों की निर्भरता क्यों है? प्रॉफिट के चलती, वो गारंटीड इनकम चाहते हैं और जो उनका अधिकार है। लेकिन ग्लोबल मार्केट से जुड़ने के बाद, जो कि ये तीन कानून कर रहे हैं, किसानों को ग्लोबल मार्केट से जोड़ रहे हैं, इससे भी किसानों को गारंटीड इनकम मिलेगी भविष्य में। हमारे देश में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और ये सारे राज्य अपने आप में संपन्न नहीं है। कहीं पर आप देखेंगे तो गेहूं की बहुत ज़्यादा डिमांड है और कहीं पर गेहूं की बहुत ज़्यादा पैदावार है। तो इन ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, मोबाइल ऐप के जरिए, इस ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सरकार कोशिश कर रही है कि इन दोनों राज्यों को जोड़ दिया जाए, ताकि ये दोनों राज्य एक दूसरे से क्रय विक्रय कर सके और इस किसान की निर्भरता एमएसपी पे कम हो जाए। अब यहाँ पर ही जब जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर जब डिमांड किसी चीज़ की हाई है भाई, तो उसका प्राइस भी हाई होगा। तो यहाँ पर इस किसान को उसके फसल का उचित मूल्य भी मिलेगा और उसको एमएसपी पर निर्भर भी नहीं होना पड़ेगा। तो देश की इकोनॉमी को जो धक्का अभी रेगुलर लग रहा है, वो धक्का नहीं लगेगा और देश की इकोनॉमी सुधर जाएगी। इसीलिए सरकार ने ये तीन कानून बनाए हैं, जो काले तो बिल्कुल नहीं है, बस एक कोशिश है। फ्रेंड्स, हम अपनी ज़िंदगी में कितनी ही कोशिशें करते हैं, क्या वो सब कोशिशें कामयाब हो जाती हैं? लेकिन कोशिश कामयाब हो या फिर नहीं हो, कोशिश करना तो बनता है ना। अभी की व्यवस्थाओं में अगर हम दो व्यवस्थाओं पर निर्भर रह गए तो ये रेगुलर धक्का लगता रहेगा। तो जैसे हम कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की लाख फेलियर के बाद, वैसे सरकार ने भी एक तीन कानूनों को पास करके एक कोशिश की है किसान की जो निर्भरता एमएसपी पर है उसको कम करने की और किसान को ग्लोबल मार्केट से जोड़कर उसकी आय को दुगुना तिगुना करने